कांड रईस जावे की हरकत पर जबलपुर के युवा सड़कों पर उतर गए। यह नाराजगी है उस कानून के रखवालों के खिलाफ जिनकी लापरवाही शुरुआत में सामने आई थी। दरअसल पुणे के पोष कांड में जबलपुर की अश्विनी और उमरिया के अनीश की मौत के बाद एमपी की युवा खासे नाराज हैं। जबलपुर के इंजीनियरिंग छात्रों ने कैंडल मार्च निकाल कर अपनी नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि जबलपुर की रहने वाली अश्विनी और उसके दोस्त अनीश की इस हादसे में दुखद तौर पर मौत हो गई। सवाल उठा था कि रईस जादे को कौन बचा रहा है और तेज रफ्तार का कहर इन बेकसूर इंजीनियरों पर क्यों निकला। यही वजह है कि इंजीनियरिंग के छात्रों ने इस पर आवाज उठाई और वह न्याय की मांग कर रहे हैं। जबलपुर की सड़कों पर निकले हजारों की संख्या में इन युवाओं की यही मांग है कि सख्त से सख्त सजा आरोपी को मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कई दिनों तक कई बड़े नेता भी चुप्पी साधे रहे, लेकिन प्रदेश के युवाओं में अब उबाल है। वे अपनी नाराजगी सड़क पर उतरकर कैंडल मार्च के जरिए निकाल रहे हैं, व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। जबलपुर के रहने वाले अश्विनी के परिवार का भी बुरा हाल है। इतने दिन बीतने के बाद भी माँ के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के युवा इस पूरे मामले पर बड़ी मुहिम छेड़ने की तैयारी कर चुके हैं। यही वजह है कि सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च निकालकर युवाओं ने नाराजगी जाहिर की है और न्याय के लिए आवाज उठाई है। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्राओं ने बताया कि हमने अपनी बड़ी बहन अश्विनी और बड़े भाई अनीश को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि एक रईस पिता के बिगड़े लड़का 3 करोड़ की कार में शराब पीकर अपने दोस्तों के साथ 200 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा था। महाराष्ट्र सरकार से मांग है कि कार चालक के खिलाफ वयस्क जैसी कार्रवाई की जाए जिससे कि भविष्य में कभी कोई लड़का इस तरह से किसी सड़क चलते लोगों की हत्या ना कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोकसभा चुनाव के बाद किसके सर पर सजेगा ताज? मोदी सरकार के पिछले 10 साल में देश में कितना हुआ विकास? बिना बात को घुमाए द खबरदार न्यूज आपको दिखाएगा हकीकत। इसमें है जनता का भरोसा, कौन करेगा देश पर राज?